अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, पाकिस्तान आर्मी में भर्तियां शुरू हो चुकी हैं डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए। अगर आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कैप्टन, तो इसके लिए रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है। ICTOs के लिए आपको मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान आर्मी के लिए रजिस्ट्रेशन 17 जून से 30 जून 2019 तक चलेगी। इसके बाद एंट्री टेस्ट जो है वो बाद में होंगे। आपको बता देते हैं, इंटरनेट के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं या आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, जिसको कहा जाता है ICTO इन द कोर ऑफ सिग्नल्स, आपको बता देते हैं मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने जो है वो डिग्री की हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, सिस्टम इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, या इसके हवाले से आपको बता दें कि ये वो बेसिक क्वालिफिकेशन है। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि MS या MSc 18 साल की आपने की हो। इन डिसिप्लिन्स में 2.5 मिनिमम CGPA आपका होना चाहिए। और इसके हवाले से आपको इंपॉर्टेंट चीज लिए चलें कि 28 साल तक कम अज कम आपकी एज 1 नवंबर 2019 को होनी चाहिए। कॉमन फीचर्स में यह है कि मिनिमम 16 साल की एजुकेशन आपकी जो है वो BS या BE की जो है वो PEC और HEC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, या अब्रॉड से अगर आपने की है तो फॉरेन क्वालिफिकेशंस के सिलसिले में आपको HEC से अपनी इक्विवेलेंस देनी होगी। नो थर्ड डिवीजन इज एक्सेप्टेबल, ओनली 2 सेकंड डिवीजन थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर इज एक्सेप्टेबल। 4 साल की आपकी जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो आपकी जो है HEC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लिए चलते हैं कि अगर आपने जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट्स की डिग्री वेरिफिकेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबसे पहले अपने आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर जो है वो लेकर जाने हैं अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, जो कि HEC और PEC से वेरीफाइड होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म साथ अटैच होने चाहिए। ओनली मेल कैन अप्लाई, मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आजाद कश्मीर यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपकी मिनिमम 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जैसे कि पहले होता है। अब आपको बता देते हैं कि अगर आप इंटरनेट के जरिए सिलेक्शन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने वेबसाइट पे आना है joinpakarmy.gov.pk। यहां पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपने यहां पर कोर्स सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा कोर्स है। टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे जहां आप टेस्ट देना चाहते हैं। और इस हवाले से आपको बता दें कि अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे 17 जून से 30 जून 2019 के दरमियान। इसके टेस्ट जो है वो 18 जुलाई से 23 जुलाई 2019 के दरमियान होंगे। इनिशियल टेस्ट होंगे, उसके बाद मेडिकल होंगे, फिजिकल टेस्ट होंगे और फाइनल सिलेक्शन होगी। GHQ सिलेक्शन बोर्ड आपकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन करेगा। ISSB रेकमेंडेड स्टूडेंट्स की जो है वो फाइनल मेडिकल एग्जाम लिए जाएंगे। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपको 6 महीने की PMA का कोल में दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ साथ लेकर जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और उनकी फोटो कॉपीज भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे 7 साल तक मिनिमम उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को सर्व करने का स्टाम्प पेपर पे बॉन्ड साइन करना होगा। अब आपको बता देते हैं, ये है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने ओपन है। अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो को कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़।